हेलो एवरी स्टूडेंट, मैं नोमारिकल की इस नेशनल सीरीज में आप सभी के साथ आपकी मेंटोर विजेता सिंह। और आइए नोमारिकल स्टार्ट करते हैं। और मेरे बच्चों, आपके लिए एक स्लोगन कि डरना बिल्कुल मना है, डरना नहीं है। आप लोग छोड़ देते हैं बार बार, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। एकदम स्लोगन को रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि डरना मना है। और किसी भी चीज को अगर निरंतर प्रयास किया जाए तो वो आपके कदमों में आ ही जाती है। तो प्लीज अपना बेस्ट देते रहिए मेरे साथ। आइए बढ़ते हैं नोमारिकल, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर नोमारिकल है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस। सबसे पहले आपके पास 1000 रुपीज, उसके बाद डेप्रिसिएशन है 600, NFIA आपके पास है 300, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 700, और NDPFC को फाइन करना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट को ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग के पास दिया हुआ है एटलीस्ट क्या, तो देखिए ग्रॉस से नेट पे जाना है। पहला फॉर्मूला, पहली स्टेयर ग्रॉस से नेट पे जाना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला बताया है, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, अब देखिए ग्रॉस से नेट पे जाने का फॉर्मूला आपके पास मिल गया। दूसरा क्या बोलता है, नेशनल इनकम दी हुई है, डोमेस्टिक को फाइंड आउट करना है, तो माइनस NFIA। आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास नेशनल इनकम दी हुई है और आपको ढूंढना क्या है, डोमेस्टिक इनकम को फाइंड करना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, जब दो लोग बिल्कुल बराबर के ताकतवर हो तो उनमें लड़ाई नहीं होती, याद रखिएगा। दोनों की पावर बिल्कुल बराबर है, दोनों ने जिम करके बॉडी बना रखी है, प्रोटीन पाउडर ले रखा है। अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट में लड़ाई कराएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो उसको छोड़ देना है। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, हमें जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस NIT। स्टेयर्स मिल गई, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले GNPMP 8000 दिए हुए थे, 8000। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके करोड़ में है, ये याद रखिएगा कि जब भी नेशनल इनकम का आंसर फाइंड आउट करते हैं ये करोड़ में है, तो 8000 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA था माइनस 700। ओके, और 600 हमारा डेप्रिसिएशन, तो हमने 600 डेप्रिसिएशन लिया है, NFIA 300 और आपका NIT 700। एक सीरीज बना ली, क्या लिया आपने, सबसे पहले 8000 ले लिया आपने GNPMP, देन हमने 600 लिया है डेप्रिसिएशन, 300 लिया है NFIA, NIT इसके बाद 700 है, तो उसको ले लिया। अब इसको करते कैसे सॉल्व, तो 8000 में से सीधे आप घटाओगे 600 को, आपके पास बचा क्या, 7400। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखा है, बट यहाँ करके देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप को सेकंड सीरीज में जाइए, यानी आप 7400 में से 300 को लेस करोगे, आपके पास क्या बचता है, 7100। और लास्ट स्टेप पे 700 रुपये जो यहाँ पे थे आपके 700 करोड़, इनको भी लेस देन करना है थर्ड स्टेप में, तो जब इनको लेस किया तो आपके पास कितने आ रहे हैं, 6400 रुपीज करोड़, ये आपकी नेशनल इनकम होगी। तो ये पहला न्यूमेरिकल आप लोग के लिए एग्जांपल, एक आध एग्जांपल और करेंगे मेरे साथ आप सभी। ओके, आइए देखते हैं न्यू आपका दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या दिया हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। NNPFC दिया हुआ है हमारे पास, नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट कितना, 2000, डेप्रिसिएशन 200, सब्सिडी 70, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110। फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग पहले ही बता के बैठी हूँ आप लोग को, फिर से याद रखिएगा, जो आपको रिसीव होता है
वो फ्रॉम होगा। इनडायरेक्ट टैक्स 180, फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड, जो हमने उनको पे किया, जो लोग फॉरेन में थे उनको पे किया वो टू अब्रॉड हो जाएगा। 50, जीडीपी एमपी को फाइन करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर मार्केट प्राइस ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास नेट दिया है, ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाने की स्टेयर क्या प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड में नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस एनएफआई है। थर्ड फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पे जाना है, माइनस एनआईटी। और यहाँ पे एक और चीज, सब्सिडी दी हुई है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हो, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देना है। और यहाँ फ्रॉम अब्रॉड है, तो फ्रॉम अब्रॉड में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को भी माइनस कर देना है। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले एनएनपीएफसी कितना आपके पास है, 2000 प्लस हमने क्या है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे फॉर्मूला बोलता है कि प्लस डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ले लिया, एनएनपीएफसी दिया हुआ है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगला क्या कहता है, माइनस एनएफआई है। माइनस एनएफआई में से हमने क्या रिसीव किया है, यानी फ्रॉम, और जितना दिया है टू उसको घटा देना है। ओके, अब्रॉड से मिला 110 और दिया हमने, पेड किया किसी को 50, तो ये। और फिर दूसरा क्या बोला मैंने फॉर्मूला कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास कितना, जो टैक्स है उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, तो इसको माइनस करना है सब्सिडी को। आप सॉल्व करके देखिए, 2000 में से हमने जोड़ा 200 को 2200, माइनस किया 60 को और प्लस किया 110 को, तो हमारे पास क्या आया, अगली सीरीज में आगे गए तो 2200 प्लस 50 आपके पास कितना हुआ, 2250 करोड़ रुपीज आपके पास क्या फाइंड हुआ है, आपका जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको फाइंड हो गया। आई होप एवरीवन क्लियर। इफ आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करें। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो भी कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।